हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैस्ट्रो चार्टिस्ट। माय नेम इज राहुल। स्टॉक मार्केट एनालिसिस की सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग रेन इंडस्ट्री स्टॉक का एनालिसिस देखने वाले हैं। ये स्टॉक कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड लाइन के नीचे पे ट्रेड कर रहा है और इसने मल्टीपल टाइम उस ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट कर चुका है और अब उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है। अगर आप देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रही है। यहाँ पर इसने एक बेस भी बनाया है जो इसने पास्ट में भी उस बेस को रिस्पेक्ट किया था, उसका सपोर्ट का भी काम किया था, रेजिस्टेंस का भी काम किया था। जैसा कि हम पास्ट में देख सकते हैं, जब यहां से ब्रेकआउट आया था तो स्टॉक बहुत अच्छा मूव हुआ। जब यहां पे ब्रेकडाउन आया था तो स्टॉक ने यहीं से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेने की कोशिश किया। जैसे ही स्टॉक ने यहां पे ब्रेकआउट दिया तो जब ये वापस आया तो आप देख सकते हैं कि कितना जोन ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया और ब्रेकआउट हो चुका है। इट मींस ये जोन इसके लिए, ये प्राइस इसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पर कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेता जा रहा है। अब आपका प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए, आपकी एंट्री कहाँ होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वो टारगेट वो डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर इसकी जो पहली एंट्री बनी थी जब ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था, तो 166 रुपीज के पास से मैं इस स्टॉक को कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहा हूँ। उस समय मैंने स्टॉप लॉस जो है 145 का रख के इसको अपसाइड के लिए होल्ड कर लिया था। अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट एंट्री आपकी मंथ जो है वो क्लोज होने वाला है, तो आपका जो एंट्री है वो 188 रुपीज के पास आपकी एंट्री होनी चाहिए। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप यहाँ पे 145 रुपीज का स्टॉप लॉस रख के इसको मिनिमम टारगेट जो है 265 रुपीज के टारगेट के लिए, आप पहले टारगेट के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू रख रहे हैं तो होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो आपको प्रीवियस स्विंग के पास देखना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम में कोई स्विंग नहीं मिल रहा है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में एक स्विंग देखेंगे जो 160 रुपीज के पास का जोन निकल के आया है। अगर आप इसको 188 रुपीज के पास बाय करते तो 162-160 के पास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब टारगेट अपसाइड पे टारगेट आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, जितना भी आप स्टॉप लॉस पे पॉइंट्स दे रहे हैं मिनिमम उसके 2% ट्वाइस तो आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 26 रुपीज का जोन है तो आप यहाँ पे 52 रुपीज का मिनिमम टारगेट जो है तो आपको लेना ही चाहिए, जो एग्जैक्टली 243 इसके सेकेंड रेजिस्टेंस जोन के पास आपको लाके रखेगा। यहाँ पर आप इसको कंटिन्यूअसली होल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हो सकता है स्टॉक ब्रेकआउट दे दे। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप प्लेलिस्ट को देखिए, मैंने वहां पे एक स्टॉक मार्केट के एडुकेशनल सीरीज छोड़ दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट का अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, कैंडलस्टिक बेसिक कुछ भी नहीं पता है, तो आप आई बटन से क्लिक करके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।